ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 पाठ 2 फसलों का त्यौहार के प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं। मौसम का अंदाज। प्रश्न 1, खिचड़ी में आइस जाड़ा हम पहले कबो न देखी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उत्तर, यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्यौहार से है। प्रश्न 2, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो? उत्तर, अगर ऐसे सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। प्रश्न 3, बाहर से देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं लग पा रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज निकल नहीं रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाज़ा सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं। तुम्हारी जुबान। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। क, आज ये लोग के उठेंगे नहीं का? उत्तर, आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? ख, जब भाग के देख कैर के पत्ता आयल के ना? उत्तर, दौड़ कर जाओ और देखो कि केले का पत्ता आया कि नहीं। भारत तेरे रंग अनेक। प्रश्न 1, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों को एक समूह में एक एक उदाहरण लें और उन पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफी, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, भोजन, कपड़े, लोक कला, नया वर्ष, लोक संगीत। उत्तर, भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी आदि। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है क्योंकि यहाँ अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है और यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। कपड़े। हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा आदि स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। नया वर्ष। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। यह भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भोजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग पंजाब में, डोसा, इडली, सांभर दक्षिण भारत में, खाकरा, भाकड़वरी, ढोकला, थेपला गुजरात में, रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, वाजवान कश्मीर, माछ भात, शुत्तो, मिष्टी दोई बंगाल, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी राजस्थान। लोक संगीत। अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है।
सारंग, दुर्गा, सौरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा हैं। लोक कला, प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार, चितर दक्षिण भारत, तंजावुर तमिलनाडु, थंगक तिब्बत, पाच चित्र उड़ीसा, पिछवई वेफड़ राजस्थान, बाटिक दक्षिण भारत तथा बंगाल। प्रश्न दो, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? उत्तर, होली का त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे को गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ और नए कपड़े पहनता हूँ। अन्न के बारे में का, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। उत्तर, तिल से तिलगुटा, रेवड़ियाँ और गजक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। खा, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। उत्तर, तिल के अलावा सरसों, राई, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, नारियल, बादाम, आंवला आदि से तेल बनाया जाता है। खास पकवान। प्रश्न एक, गया शहर के तिलकुटों के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। आप परिवार के लोगों से पता करके उसके बारे में बताओ। उत्तर, हमारे देश में मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और हरियाणा के घेवर के लिए प्रसिद्ध है। क्रिया, वर्ब, काम वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है, जैसे छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना आदि। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।